बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है मैरिज। यह टॉपिक LLB 5 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं वो अपने 5th सेमेस्टर के अंदर LLB 3 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं वो अपने 2nd ईयर के अंदर, और उसके बाद जो मजिस्ट्रेट के एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हैं वो सिविल लॉ के पेपर के अंदर ये टॉपिक पढ़ते हैं। ये बेसिकली मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक टॉपिक है, मैरिज। मैरिज क्या है, अगर हम इसको वेरी सिंपल वर्ड्स में इंट्रोड्यूस करवाएं, दैट व्हाट इज़ मैरिज। मैरिज के इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो लेक्चर है ये मैरिज का एक बुनियादी तारुफ है। इसमें हम फिकही मसाइल और डिटेल्ड डिस्कशंस में नहीं जाएंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो एक जनरल इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है, सिर्फ वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैरिज है क्या? मैरिज इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जब हम वर्ड यूज करते हैं दैट इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका क्या मतलब है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं वो मैरिज में फुलफिल होने चाहिए। सेकेंडली, इट्स अ मेथड टू लीगलाइज सेक्चुअल इंटरकोर्स ऑफ अ मैन एंड वुमेन। ये एक मेथड है, ये एक तरीका है कि जिसके जरिए से एक औरत और मर्द अपने सेक्चुअल रिलेशन को दुनिया की नज़र में और रिलीजियसली इस सारे प्रोसेस को लीगलाइज करते हैं। इसका नेक्स्ट पर्पस है टू लिजिटिमाइज द चिल्ड्रन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी राइट्स जो बच्चों को मिलते हैं वो सारे के सारे कौन किन बच्चों को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिजिटिमेट चिल्ड्रन को। और मैरिज एक वाहिद जरिया है कि जिसके ज़रिए से शरीयत के मुताबिक एक मर्द और औरत अपने होने वाले बच्चे को लिजिटिमेसी का स्टेटस देते हैं। तो मैरिज का एक बुनियादी मकसद बच्चों की लिजिटिमेसी है। उसके बाद ये ना सिर्फ एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है बट इट्स आल्सो अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ये एक मजहबी फरीज़ा भी है। मजहबी फरीज़ा किस लिए? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान और सुन्नत के ज़रिए से हम पर ये लाजम किया है कि अगर कोई शख्स जो इस्तेआत रखता है डावर देने की और अपनी बीवी को मेंटेन कर सकता है तो उसके लिए लाजमी है कि वो मैरिज करे। अगर हम बात करें इसके कुछ असेंशल्स के अंदर से, तो इट नीड्स नॉट टू बी इन रिटन फॉर्म। तो ये जो मैरिज सर्मनी है या ये जो निकाह है या एक खुतबा निकाह की एक रिवायात हम लोगों में है, तो सवाल उठता है कि क्या एक मैरिज का रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है या नहीं? तो उसका जवाब ये है कि मैरिज का रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है। स्टॉक। तो वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ मैरिज इज दैट इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ मेथड टू लीगलाइज सेक्चुअल इंटरकोर्स, इट्स अ वे टू लिजिटिमाइज द चिल्ड्रन, इट्स अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड इट नीड्स नॉट टू बी इन रिटन फॉर्म। अब अगर हम इसके लिटरल मीनिंग को देखें
कि मैरिज का लिटरल मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ मैरिज। तो लिटरल मीनिंग में इट्स अ वेडलॉक। अगर हम इसके डिक्शनरी मीनिंग्स देखें तो ये इसका मतलब है वेडलॉक आर अ लीगलाइज्ड म्यूचुअल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इन वेरी सिंपल मीनिंग मैरिज इज अ वेडलॉक आर लीगलाइज्ड म्यूचुअल रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ये एक मियां और बीवी के दरमियान जो लीगलाइज्ड तरीका है कि जिसके ज़रिए से वो अपने म्यूचुअल रिलेशन को लीगलाइज कर सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैरिज कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ मैरिज एज पर हिदाया, डिफरेंट जूरिस्ट उलमाए कराम और जजेस और केस लॉज के अंदर मैरिज को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन हम इसकी कौन सी डेफिनेशन देखेंगे जो कि हिदाया के अंदर मौजूद है। वो डेफिनेशन क्या कहती है कि मैरिज इज डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज इज डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट which has for its objects the procreation and legalizing of children। हिदाया के मुताबिक मैरिज इज डिफाइंड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट, विच कॉन्ट्रैक्ट, अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, विच हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स, जिसका मकसद क्या है, द प्रोक्रिएशन, बच्चों की पैदाइश, एंड लीगलाइजिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और जो वो बच्चे पैदा हों इसके सिलसिले में, जो नस्ल इंसानी बढ़े वो एक लीगलाइज तरीके के साथ बढ़े। ये इसका बेसिक डेफिनेशन है मैरिज का हिदाया के मुताबिक। अगर हम इसके नेचर के बारे में बात करें, दैट व्हाट्स द नेचर ऑफ अ मैरिज एज पर इस्लामिक लॉ, तो नेचर ऑफ मैरिज, अब तक की गई डिस्कशन से अगर हम इसकी नेचर डिफाइन करना चाहें तो इसकी नेचर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंडली इट्स आल्सो अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। तो नेचर ऑफ द मैरिज क्या है कि इट्स अ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड इट्स आल्सो कंसिडर्ड अ रिलीजियस ड्यूटी, और ये सुन्नत मौकदा है। सुन्नत मौकदा का मतलब क्या है कि ऐसी सुन्नत, ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया गया तरीका कि अगर हम इसको बग़ैर किसी वजह के छोड़ देते हैं तो हम गुनाहगार होंगे। तो लिहाजा ये सुन्नत मौकदा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझकर इसका पूरा करना ज़रूरी है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस के लिए, इम्पोर्टेंस ऑफ मैरिज, तो इसकी इम्पोर्टेंस के लिए मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल नकल करना चाहूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू मेंटेन हिज
वाइफ एंड गिव डावर ही मस्ट गेट हिमसेल्फ मैरिड. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस की रोशनी में अगर एक ऐसा शख्स जो अपनी वाइफ को मेंटेन कर सकता है, उसका खर्चा उठा सकता है और वो डावर यानी कि हक महर देने की पोजीशन में है, तो ही मस्ट गेट हिमसेल्फ मैरिड, मतलब उसके लिए लाजम है कि वो शादी करे. तो जब हम इस हदीस के मुताबिक देखते हैं तो ये हमारे लिए क्या बन जाता है, एक ऐसी रिलीजियस ओब्लिगेशन बन जाती है कि जो है तो मज़हबी फरीज़ा बट इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. तो ये एक ऐसा मज़हबी फरीज़ा है कि जिसने सिविल कॉन्ट्रैक्ट के तमाम असेंशल्स के मुताबिक परफॉर्म होना है. अगर हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज को डिस्कस करें, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ मैरिज, तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज के अंदर कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैरिज क्या है. तो नो डाउट जो पहला ऑब्जेक्ट ऑफ मैरिज है, इट इज टू लीगलाइज सेक्चुअल रिलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल. सेकेंडली लिजिटिमाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन. थर्डली परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस ऑब्लिगेशन. फोर्थली प्रोटेक्शन ऑफ सोशल लाइफ एंड लास्टली प्रिजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन रेस. तो मैरिज इसके जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू लीगलाइज द सेक्चुअल रिलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल. सेकेंडली लिजिटिमाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि उनको लिजिटिमेट का स्टेटस देना. थर्डली क्योंकि ये एक मजहबी फरीज़ा है तो मजहबी फरीज़ा की अदायगी यानी कि परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस ऑब्लिगेशन. फोर्थली प्रोटेक्शन ऑफ सोशल लाइफ. अब इसमें हमारी सोशल लाइफ किस तरह प्रोटेक्ट होती है कि जब हस्बैंड और वाइफ और एक फैमिली प्रोटेक्शन और एक बॉन्डिंग बनती है तो लोग उस मुआशरे के अंदर बेहतर तरीके से रहते हुए ह्यूमन रेस को प्रिजर्व कर सकते हैं और उसके अंदर जो बच्चे लिजिटिमेट होंगे वो विरासत के ज़रिए से अपनी फ्यूचर लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. तो ये जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन है, ये आपको जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है बेसिकली किसके गिर्द घूमता है, वो मैरिज के इस स्ट्रक्चर के गिर्द घूमता है. अब इस टॉपिक का जो सबसे अहम और मेन हिस्सा है वो है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज. क्योंकि मैरिज के डिफरेंट काइंड्स हैं, इट मे बी वैलिड, इरेगुलर और वाइट. तो जब हम बात करेंगे एसेंशियल्स, बट किसके एसेंशियल्स, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज, कि अगर किसी भी मैरिज को सही या दुरुस्त करार देना है और उसको एक प्रॉपर लीगल स्टेटस देना है तो उस लीगल स्टेटस देने के लिए एक मैरिज को कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो कि उसको मीट करने चाहिए, फुलफिल करने चाहिए. तो पहला जो इसका एसेंशियल है वो है लीगल कैपेसिटी. नाउ द क्वेश्चन राइजेस दैट व्हाट इज लीगल कैपेसिटी. ये लीगल कैपेसिटी क्या है,
लीगल कैपेसिटी मींस अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड मतलब आकिल, अकलमंद उसको होना चाहिए. लेकिन हम अपने एक नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि कुछ लोग जो अनसाउंड माइंड के होते हैं वो भी तो इस मैरिज के प्रोसेस से गुजरते हैं, तो वो फिर किस तरह गुजरते हैं? तो अगर कोई शख्स जो कि अनसाउंड माइंड का है तो उसका गार्डियन उसकी बिहाफ पर ये मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है. तो लिहाजा साउंड माइंड होना, साउंड माइंड के बाद इससे नेक्स्ट एक जो जरूरी एसेंशियल है वो है अटेंड द एज ऑफ पुबर्टी. अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट आ जाता है शरिया लॉ के अंदर और लॉ ऑफ द लैंड के अंदर. शरिया लॉ के मुताबिक मैरिज करने के लिए लीगली एक शख्स, हम उसको कहेंगे ही हैज अ कैपेसिटी, अगर वो एज ऑफ पुबर्टी अटेन कर चुका हो. और ये एज ऑफ पुबर्टी क्या है? ये एक ऐसी एज जिसमें एक शख्स को हम एडल्ट यानी कि क्या कहते हैं, बालिग. और एडल्ट या बालिग का क्या मतलब है कि वो नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाए, वो शख्स सेक्सुअल इंटरकोर्स को परफॉर्म कर सके और फर्दर रिप्रोडक्शन कर सके. तो ऐसा शख्स क्या कहलाएगा? दैट ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ पुबर्टी, जो कि डिफरेंट एरियाज के मुताबिक 9 साल, 10 साल, 11 साल, 13 साल, 16 साल, कोई एक इसकी डिफाइंड लिमिट नहीं है. शरिया के मुताबिक अगर कोई शख्स एज ऑफ पुबर्टी अटेन कर ले तो हम कहते हैं दैट ही हैज अ लीगल कैपेसिटी टू मैरी. लेकिन अगर हम इसके बरक्स लॉ ऑफ द लैंड में देखें तो चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1925 के मुताबिक मेल के लिए ये एज 18 ईयर्स और फीमेल के लिए ये एज 16 ईयर्स है. एज पर लॉ ऑफ द पाकिस्तान अगर एक मेल जिसकी एज 18 साल से कम है उसके पास लीगल कैपेसिटी नहीं है टू मैरी, और अगर वो करेगा तो वो उसके ऊपर उसको जुर्माना किया जाएगा, पनिशमेंट की जाएगी. और इन द सेम वे अगर कोई फीमेल जिसकी एज 16 ईयर से कम है तो उसकी मैरिज अगर कर दी जाती है तो चाहे उसकी कंसेंट है या नहीं है, बट एज पर लॉ शी हैज नो लीगल कैपेसिटी टू मैरी. तो पंजाब मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट अमेंडमेंट के तहत इसमें 50,000 तक फाइन और 6 महीने की पनिशमेंट डाली गई है चाइल्ड मैरिज के ऊपर. तो ये एक एज लिमिट, बट ये एज पर लॉ ऑफ द लैंड है. अगर हम शरीयत की बात करें तो शरीयत का जो लेवल है फॉर द लीगल कैपेसिटी इज जस्ट टू अटेन द एज ऑफ पुबर्टी, एंड अ पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड ही इज एबल टू मैरी, ही हैज लीगल कैपेसिटी टू मैरी. द सेकेंड थिंग, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस. प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जिसको हम कहते हैं एजाबो कबूल. नेक्स्ट एसेंशियल ये है कि मेल और फीमेल में से जनरली मेल की तरफ से ऑफर होती है और फीमेल की तरफ से क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर वो अनसाउंड माइंड होगा तो ये ऑफर या एक्सेप्टेंस इट कैन बी मेड थ्रू द गार्डियन. और इसमें जो मेन एक चीज समझने की है वो ये है कि द प्रपोजल एंड द एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ सेम मीटिंग. सेम मीटिंग का मतलब एक ही मजलिस के अंदर एक ही मकाम पर ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी.
अगर कोई शख्स इस तरह करता है कि एक लड़का निकाह नामे के ऊपर दस्तखत करके उसको लड़की की तरफ भेज देता है और फिर उसके बाद कुछ 2, 4, या 10 दिन के बाद जब वो निकाह नामा लड़की के पास पहुंचता है और वो उसके ऊपर अपने दस्तखत कर देते हैं और हम इसको कहते हैं कि ये निकाह हो गया है, तो एज़ पर शरिया ये निकाह नहीं हुआ। अगर हम एज़ पर ला देखें तो क्योंकि उसमें दोनों के दस्तखत हैं तो ये तो ला के मुताबिक ये एक निकाह है, बट शरिया में ये प्रपोज़ल और एक्सेप्टेंस का एक ही मजलिस सेम मीटिंग में होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज़ होता है कि अगर कोई मैरिज या अगर कोई निकाह थ्रू फ़ोन कॉल किया जाए तो उसका क्या स्टेटस होगा। तो अगर हम इस सेम मीटिंग के कंसेप्ट को समझें तो फ़ोन कॉल के ज़रिए किया गया निकाह इनवैलिड है, वो वैलिड निकाह में नहीं आएगा। हाँ, इसकी एक सूरत है और वो ये कि अगर कोई शख्स फ़ोन करके हाज़रीन मजलिस यानी कि वो लोग जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं उनमें से किसी को अपना वकील मुकर्रर कर दे, अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर दे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव उस दूर बैठे हुए शख्स की बिहाफ पर ये ऑफर और एक्सेप्टेंस का प्रोसेस अगर कंप्लीट करता है तो ये एक वैलिड प्रोसेस है। अदरवाइज अगर जनरली फ़ोन पर किया जाए तो ये एक इनवैलिड प्रोसेस है। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का सेम मीटिंग में होना ज़रूरी है। थर्ड वन, डावर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कॉल है जिसके मुताबिक नो डावर नो मैरिज, कि ये एक इतना असेंशियल एलिमेंट है कि अगर निकाह के वक्त डावर मुकर्रर ना किया जाए तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये एक वैलिड मैरिज नहीं है। हाँ, अगर इसको फिक्स ना भी किया जाए और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इसमें फिक्स डावर से हटकर कस्टमरी डावर, ये सारी डिटेल्स जब हम डावर का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस लेक्चर के अंदर ये सारे डावर के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बट द थर्ड असेंशियल इज डावर, एंड द फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। एज पर हनफी ला, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा हनफी स्कूल ऑफ थॉट का और शिया स्कूल ऑफ थॉट का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू शिया स्कूल ऑफ थॉट नो विटनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द निकाह सेरेमनी, बट एज पर सुन्नी लॉ टू मेल विटनेसेस, और वो दो विटनेसेस कौन होने चाहिए, वो मुस्लिम होने चाहिए, ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि एडल्ट और साउंड माइंड, या वन मेल एंड टू फीमेल, बट ये मेल और फीमेल इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हों। तो अकॉर्डिंग टू सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज कंपल्सरी, इज एन एसेंशियल एलिमेंट। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो कि जिसमें विटनेस मौजूद ना हो तो क्या ये मैरिज वाइड हो जाएगी, तो वाइड नहीं होगी बल्कि ये इररेगुलर होगी, कि जिसको फर्दर डिक्लेरेशन के ज़रिए से विटनेसेस की मौजूदगी में डिक्लेयर करने के ज़रिए से उस मैरिज को आप लीगलाइज कर सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं। बट प्रेजेंस ऑफ विटनेस वो भी एक असेंशियल एलिमेंट है। और नेक्स्ट एलिमेंट वो क्या चीज़ है, दैट इज़ द फ्री कंसेंट। माइंड इट, इट्स नॉट अ कंसेंट, इट्स अ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट के जब दोनों मेल और फीमेल विदाउट एनी क्रुएल्टी, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, विदाउट एनी मिस्टेक, अगर वो फ्रीली एक दूसरे को
कबूल करते हैं, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का अमल पूरा करते हैं, तो तब ही एक वैलिड मैरिज होगा। जो आजकल हमारे यहाँ एक कंसेप्ट चलता है कि जिसमें ज़बरदस्ती निकाह करवा दिया जाता है, तो शरिया के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसे निकाह की कोई भी अहमियत नहीं है। और ये फ्री कंसेंट का होना हमें कहाँ से पता चलता है? अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का थोड़ा सा एक मिसाल ले लें कि जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके पास तशरीफ़ लाते हैं और बैठ जाते हैं, आपके चेहरे पर थोड़ा सा शर्म का तासुर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूँ तो इस पर कोई भी शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने दो जहानों के तमाम उलूम आपके सीने में डाल दिए थे और आप बहुत सी चीज़ों से पहले से वाकिफ़ हैं। तो आप जानते हैं, अल्लाह ने आपको बता दिया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो किस काम के लिए, किस मकसद के लिए आपके पास तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन फिर भी आप हज़रत अली से पूछते हैं कि अली क्या कहना चाहते हो? तो हज़रत अली उनसे ये कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी फ़ातिमा का रिश्ता अपने लिए दरकार है। अब क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के हाल से वाकिफ़ नहीं होंगे? हरगिज़ नहीं, वो वाकिफ़ थे। तो फिर किस लिए एक अमल किया गया? सिर्फ इसलिए कि हम उम्मत के लोगों को दिखाया जाए कि दर हकीकत ये तरीका है। और क्या तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जवाब नहीं देते बल्कि अपने घर में तशरीफ़ ले जाते हैं, लेट जाते हैं और अपनी बेटी फ़ातिमा को अपने सीने पर लिटाकर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अली का रिश्ता कबूल है? तो हज़रत बीबी फ़ातिमा आगे से शर्माती है और ये सारा मामला आपके सुपुर्द करती है, पर आप कहते हैं कि नहीं बेटा, मुझे आपकी मर्ज़ी दरकार है। तो इस सुन्नत का मकसद क्या है? इस सुन्नत का बेसिक मकसद ये है कि हम लोग जो आजकल जिन ट्रेडिशंस में घुस चुके हैं उनको छोड़कर इस सुन्नत नबवी की पैरवी करें, जो कि फ्री कंसेंट की सूरत में हमारे पास मौजूद है और इसको एक असेंशियल एलिमेंट बनाता है कि मैरिज के लिए ये एक असेंशियल एलिमेंट है। और यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई शख्स मेल या फीमेल जो कि एज ऑफ पुबर्टी, एज ऑफ पुबर्टी मतलब वो एक बालिग है, अभी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो एज ऑफ पुबर्टी क्रॉस कर चुका है तो उसके बाद अगर उसके कंसेंट के बगैर उसका निकाह किया जाएगा तो ये इरेगुलर नहीं, ये वाइड होगा। और वाइड का मतलब एक ऐसा मैरिज के जिसमें सही होने की गुंजाइश मौजूद नहीं है, तो वो वाइड मैरिज के अंदर आ जाएगा। इसमें फ्री कंसेंट के अंदर नेक्स्ट कि ये विदाउट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस मिस्टेक या कोर्जन, इसमें जुल्म जबरदस्ती फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस मिस्टेक का कोई भी अमल नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं फ्रॉड की तो हमारे पास इस हवाले से एक केस लॉ मौजूद है जो कि 1998 के अंदर हुआ, 1992 पेज, और यही केस लॉ दोबारा PLD 1994 कराची 46 पेज। ये सेम केस ला दो बार रिपीट हुआ कि जिसके अंदर एक प्रिंसिपल सेट किया गया
दैट मैरिज वॉज सॉट टू बी डिजॉल्व बाई वाइफ ऑन ग्राउंड दैट हर कंसेंट टू मैरिज वॉज ऑब्टेन्ड बाई फ्रॉड द मैरिज वॉज डिजॉल्व्ड। तो इसमें यह प्रिंसिपल सेटल किया गया कि अगर किसी वाइफ यानी कि फीमेल का जो कंसेंट है वो किसके जरिए से हासिल किया गया है, थ्रू फ्रॉड, तो ऐसी मैरिज क्या है, वॉइड है। और कोर्ट ने इन दो केस लॉज के अंदर उस मैरिज को क्या कर दिया, उसको डिसॉल्व कर दिया। बेसिकली इस केस लॉ के अंदर क्या है कि एक फीमेल इस बेस पर कि मेरी एज 26 इयर्स है और जिसके साथ मेरा निकाह हुआ उसकी एज मोर देन 50 इयर्स है, मैं उसे हाईली क्वालिफाइड हूँ, वो ऑलरेडी मैरिड था, उसके बच्चे थे और मुझे ये सारी बातें नहीं बताई गई थी, तो इसलिए मैंने ये कंसेंट दिया था। जब मुझे इन तमाम हकायक का पता चला तो ये फ्रॉड था, मुझसे एक्टिवली ये तमाम चीज़ें कंसील की गई थी, तो लिहाजा इस बेस पर मैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहती हूँ। तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इफ़ द कंसेंट ऑफ द वाइफ वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड द मैरिज विल स्टैंड डिसॉल्व्ड। तो यहाँ से हमें इस फ्री कंसेंट का पता चलता है। और अगर हम बात करें इस पुबर्टी की थोड़ी सी, इसी कंसेंट के हवाले से, दैट व्हाट इज़ द पुबर्टी, तो पुबर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पुबर्टी जो बलूगत जिसको हम कहते हैं बालिग होना, अगर हम इसको लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक ले लें तो पुबर्टी के लिए अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए पुबर्टी की एज 16 ईयर्स और मेल के लिए पुबर्टी की एज 18 ईयर्स है। तो अगर किसी फीमेल की शादी 18 साल से पहले कर दी जाए, इसमें भी एक केस लॉ को हम डिस्कस कर लेते हैं, 2000 MLD 1886। इस केस लॉ के मुताबिक क्या है, एक प्रिंसिपल सेट किया गया था जिसके मेन तीन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इफ द मैरिज वॉज कैरिड बिफोर 16 ईयर्स, सेकेंडली द मैरिज वॉज नॉट कंजमेटेड और कंजमेटेड थ्रू कोर्जियन, एंड द थर्ड वन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स। तो अगर किसी लड़की की शादी 16 साल से पहले हो और वो मैरिज कंजमेट नहीं हुई, मींस जो सेक्सुअल रिलेशन है वो नहीं हुआ, या अगर हुआ है तो इट वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट फीमेल थ्रू कोर्जियन थ्रू क्रुएल्टी, और 18 साल अभी उस लड़की की उम्र नहीं हुई, तो ये दरमियान का जो 2 साल का पीरियड है, इस केस लॉ के मुताबिक द फीमेल हैज़ द राइट कि वो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी अख्यारुल बलूग, इस ऑप्शन के मुताबिक वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। और यहां तक इस केस के अंदर कहा गया है कि दैट इवन डिक्री ऑफ द कोर्ट वाज नॉट नेसेसरी टू इनवैलिडेट मैरिज विच हैज बीन डिसॉल्व बाय वाइफ इन एक्सरसाइज ऑफ हर ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। तो क्वेश्चन यहां पर एक थोड़ा सा यह भी आता है कि यह कंसेंट तो हम पढ़ रहे हैं, बट हु कैन गिव कंसेंट, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आता है कि बाज़ुकात हम माइनर्स के मैरिज देखते हैं, ऐसे माइनर्स जो इन द वेरी अर्ली एज उनके निकाह कर दिए जाते हैं, तो क्या ऐसे निकाह एज पर शरिया वैलिड है या नहीं। तो अगर हम देखें दैट हु कैन गिव द
कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द मेल एंड फीमेल, तो सर्टन रिलेशंस है जो कि ये कंसेंट दे सकते हैं, जिसमें पहला रिलेशन है फादर। बट एक चीज जहन में रखनी है, फादर कंसेंट दे सकता है बट बिफोर द एज ऑफ पुबर्टी। आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ पुबर्टी फादर कंसेंट नहीं दे सकता। फिर फादर ऑफ फादर ऑनवर्ड, ये तमाम लोग यानी कि बाप, दादा, परदादा, ये तमाम लोग अपने पोते परपोते की जगह पर क्या कर सकते हैं, कंसेंट दे सकते हैं, और वो कंसेंट फ्री कंसेंट ही कहलाएगी। थर्डली ब्रदर, एंड मेल रिलेशंस। फोर्थली मदर, एंड फिफ्थली मैटरनल अंकल। लेकिन इसमें एक चीज जहन में रखनी है कि बाप की मौजूदगी में फादर ऑफ द फादर कंसेंट नहीं दे सकता। तो ये एक सीक्वेंस वाइज है, अगर ये रिलेशंस मौजूद नहीं है तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट पर आ जाएगी कि वो कंसेंट दे सकते हैं अदरवाइज। और यहां पर जहां तक बात है ऑप्शन ऑफ पुबर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो एज पर शरिया अगर फादर और फादर ऑफ द फादर माइनर की मैरिज करेंगे तो ऑप्शन ऑफ पुबर्टी एक्सरसाइज नहीं हो सकता। बट अगर हम डिस्कस करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, तो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उसका सेक्शन 2 क्लास 7, इसके मुताबिक अ फीमेल हैज अ राइट टू डिसॉल्व द मैरिज ऑन द ऑप्शन ऑफ पुबर्टी इवन इफ इट वाज कंसेंटेड बाय द फादर और फादर ऑफ द फादर। तो हमारा जो लॉ ऑफ द लैंड है वो इन तमाम रिश्तों के जरिए से अगर कोई मैरिज कंसेंट दिया जाएगा उसका, तो फीमेल को ऑप्शन ऑफ पुबर्टी देती है कि वो 16 ईयर्स के बाद इफ द मैरिज वाज नॉट कंजमेटेड, या अगर वो कंजमेशन हुई थी तो विदाउट हर कंसेंट हुई थी, तो उसके पास राइट आ जाता है मैरिज को डिसॉल्व करने का। तो इतनी तवील डिस्कशन का मकसद ये क्लियर करना कि फ्री कंसेंट इज वेरी मच नेसेसरी एलिमेंट। एंड नाउ द लास्ट असेंशियल ऑफ अ वैलिड मैरिज, इट मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय शरिया। और शरिया में दो किस्म की प्रोहिबिशंस है, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात करें तो इसकी वजह से मैरिज वॉइड, और अगर हम रिलेटिव की बात करें तो इसकी वजह से मैरिज इररेगुलर क्लासिफाई की जाएगी। एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस ऐसी प्रोहिबिशंस जिनकी कतन इजाजत है ही नहीं कि शरिया के अंदर, जैसे पोलियंड्री मींस एक औरत के एक से ज्यादा निकाह, या कंसंग्निटी, एफिनिटी और फोस्टेज, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैरिज के टॉपिक के अंदर। तो इसमें नेक्स्ट रिलेटिव प्रोहिबिशंस जिसकी वजह से मैरिज क्या हो जाता है, इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब जिसको बाद में रेगुलराइज किया जा सके। इसमें अनलॉफुल कंजंक्शन, मैरिंग ऑफ फिफ्थ वाइफ, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, या इसमें मैरिज विदाउट विटनेस अगर हम देखें तो वो आ जाता है, लेकिन वो डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो मैरिज किसी भी तरह से एब्सोल्यूटली या रिलेटिवली प्रोहिबिट नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम एसेंशियल्स की बात करें तो पहला एसेंशियल लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, एज ऑफ पुबर्टी क्रॉस कर चुके हों, प्रपोजल ऑफ एक्सेप्टेंस इन द सेम मीटिंग होना चाहिए, डॉवर फिक्स होना चाहिए,
एज पर सुन्नी ला प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस टू मेल या एक मेल और दो फीमेल, और फ्री कंसेंट जिसमें कोई किसी किस्म का कोर्जियन, अंडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक या फ्रॉड नहीं होना चाहिए, और लॉ को प्रोहिबिटेड बाय शरिया नहीं होना चाहिए। तो इस सब के बाद अगर हम इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ करें कि क्या इस आज के लेक्चर से हम समझे हैं, तो इन शॉर्ट इस्लामिक मैरिज इज नॉट ओनली अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन बट आल्सो इट इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इट इज performed by male and female of sound mind who have reached the age of puberty with their free consent. What's the marriage? In short words, Islam के अंदर जो marriage है ये ना सिर्फ एक religious obligation यानी कि मजहबी फरीजा है, बल्कि ये एक civil contract है। civil contract का मतलब इसको तमाम contract के essentials पूरे करने चाहिए। It is performed by male and female, जो क्लियर करता है कि इस्लाम होमोसेक्सुअलिटी की परमिशन नहीं देता। ऑफ साउंड माइंड, ऐसे आकल और बालिग लोग हु हैव अटेंड द एज ऑफ पुबर्टी विद देयर फ्री कंसेंट।